कुछ ही महीनों में आईपीएल के 17वें संस्करण का आगाज हो जाएगा, जिसका असर अभी से लोगों पर दिखने लगा है। साल 2008 में शुरू हुई इस लीग ने हर सीजन के साथ क्रिकेट प्रेमियों को बहुत सारी अनगिनत यादें दी हैं। आईपीएल का खेल एक सुहाने मौसम की तरह हो गया है, जो हर साल 2 महीने के लिए आता है और दिल को छू कर चला जाता है। आईपीएल से जुड़े कई रोचक फैक्ट्स हैं, इनमें से कुछ तो याद रह जाते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आईपीएल के कुछ रोमांचक और मजेदार फैक्ट्स। आईपीएल में कितने ही ओवर डाले जाते हैं और बल्लेबाज उस पर रन बनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की पहली गेंद किसने फेंकी थी और इसे किसने खेला था? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि आईपीएल इतिहास की पहली गेंद आरसीबी के गेंदबाज प्रवीण कुमार ने डाली थी और इसे खेला था केकेआर के कप्तान सौरभ गांगुली ने। आईपीएल का पहला रन लेग बाई से बना था। इसी ओवर में आईपीएल की पहली वाइड भी आई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल के पहले ओवर में 3 रन बने थे और ये तीनों रन एक्स्ट्रा के रूप में आए थे। किसी भी बल्लेबाज ने कोई रन नहीं बनाया था। वहीं आईपीएल का पहला चौका और छक्का केकेआर के बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने जहीर खान की गेंद पर लगाया था। अगर बात की जाए आईपीएल के पहले विकेट की, तो वह विकेट आरसीबी के जहीर खान ने लिया था। जहीर खान ने सौरभ गांगुली के रूप में यह विकेट लिया था। आईपीएल की पहली 50 ब्रेंडन मैकुलम ने 32 गेंदों पर लगाई थी। वहीं अगर बात करें पहले शतक की, तो वह भी ब्रेंडन मैकुलम ने लगाई थी। मजेदार बात यह है कि केकेआर की तरफ से मैकुलम ने आईपीएल के पहले मैच में शतक तो लगा दिया, पर इसके बाद केकेआर को अपने किसी भी बल्लेबाज के शतक के लिए 15 साल का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद केकेआर के बल्लेबाज ने जो शतक लगाया वह 2023 में वेंकटेश अय्यर द्वारा था। आईपीएल में कई अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से एक है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। आईपीएल के 16 सीजन में अब तक सिर्फ 4 ही भारतीय ये अवार्ड जीत पाए हैं। ये 4 भारतीय हैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हर्षल पटेल और शुभमन गिल। पीयूष चावला एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आईपीएल कैरियर में 386 ओवर तक एक भी नो बॉल नहीं डाली थी। यह एक रिकॉर्ड है। आरसीबी के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें फाइनल मैच हारने के बाद भी मैन ऑफ द मैच मिला था। आईपीएल के हर सीजन में आप किसी न किसी टीम के कप्तान को बदलता देखेंगे, पर क्या आप जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसने पहले आईपीएल से अपना कप्तान नहीं बदला है। 2008 से लेकर अब तक इस टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। आईपीएल में कई गेंदबाजों को विकेट लेते तो देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आईपीएल की हिस्ट्री में एडम गिलक्रिस्ट पहले और अंतिम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने केवल एक ही गेंद डाली है और उसमें भी विकेट लिया है। आरसीबी आईपीएल की एकमात्र ऐसी टीम है जिसके नाम सबसे ज्यादा और सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड है। आरसीबी ने सबसे ज्यादा 263 रन पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ बनाए थे, वहीं सबसे कम 49 रन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय थे। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सफल टीम है, दोनों ने 5-5 बार खिताब जीता है। राजस्थान रॉयल्स वह टीम है जिसने सबसे पहली ट्रॉफी को जीता था। राजस्थान ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर यह खिताब जीता था। राजस्थान के उस समय कप्तान शेन वॉन थे। मनीष पांडे आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। भुवनेश्वर कुमार एकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 2 बार पर्पल कैप जीती है। अमित मिश्रा ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 3 बार हैट्रिक ली है, जो एक रिकॉर्ड है। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने अब तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा 7,263 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 60 शतक लगाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वहीं बात की जाए सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने की, तो यह रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम है। डेविड वार्नर ने अब तक 61 बार यह कारनामा किया है। अगर बात की जाए चौके और छक्कों की, तो इसमें सबसे आगे नाम आता है क्रिस गेल का। क्रिस गेल ने आईपीएल में 142 मैचों में 357 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज से ज़्यादा हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 257 छक्के लगाए हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा चौके लगाने की, तो इसमें सबसे आगे शिखर धवन है जिन्होंने 217 मैचों में 750 चौके लगाए हैं। युजवेंद्र चहल आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। चहल ने 145 मैच में सबसे ज़्यादा 187 विकेट लिए हैं। वहीं आईपीएल में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम है। सुरेश रैना ने 205 मैच में 109 कैच पकड़े हैं। आईपीएल इतिहास में ऑक्शन में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के सैम करन हैं, जिन्हें 2023 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा था।
युवराज सिंह और बेन स्टोक्स आईपीएल ऑक्शन में दो बार सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं, जहां युवराज सिंह को 2014 में 14 करोड़ और 2015 में 16 करोड़ में खरीदा गया था। वहीं बेन स्टोक्स को 2017 में 14.5 करोड़ और 2018 में 12.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। आईपीएल में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। क्रिस गेल ने 2013 में पुणे के खिलाफ मात्र 30 गेंदों में शतक लगाया था। वहीं फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम है। यशस्वी जायसवाल ने 2023 में कोलकाता के खिलाफ मात्र 13 गेंदों में यह कारनामा किया था। मुंबई इंडियंस आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम है। मुंबई ने 247 मैचों में 138 मैच जीते हैं। आईपीएल का सबसे रोमांचक मैच मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया था। यह मैच रोमांचक इसलिए था क्योंकि इस मैच में पहली बार एक नहीं दो सुपर ओवर खेले गए थे। दोनों टीमों के बीच यह मैच टाई पर खत्म हुआ, जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया, पर यह सुपर ओवर भी टाई रहा। मैच का नतीजा निकालने के लिए दूसरा सुपर ओवर खेला गया, जिसमें पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हरा कर जीत हासिल की। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम लखनऊ सुपर जायंट है। लखनऊ सुपर जायंट को संजीव गोयनका ग्रुप ने 7090 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो ये थी दुनिया की सबसे रोमांचक और लोकप्रिय लीग आईपीएल के बारे में कुछ रोचक और मज़ेदार किस्से। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको आईपीएल से जुड़ी और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।